हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। होली का त्यौहार आ गया है। होली में गुजिया ज़रूर ही बनाते हैं, तो चलिए आज हम गुजिया बनाते हैं। इसकी रेसिपी देख लेते हैं। वैसे गुजिया की स्टफिंग कई तरीके से बनती है, लेकिन आज हम एक अलग ही तरीके से बनाएंगे सूजी के साथ। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गुजिया बनाने के लिए पहले हम गुजिया का डो लगा के तैयार कर देते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए। तो मैंने आधा किलो आटा ले लिया है, गेहूं का आटा ही लिया है। उसमें नमक मिला लिया है सिर्फ, और इसमें 2 चम्मच घी मिलाएंगे और कुछ नहीं मिलाना। आप घी की जगह तेल भी मिला सकते हो, लेकिन घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मिला लिया। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी गुजिया का डो जो है बहुत अच्छा बनता है घी के बिना भी। लेकिन मैंने डाल दिया ताकि अच्छी हमारी गुजिया जो है खसखसी सी आए, मतलब कुरकुरी आए। तो इसको मुँह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका डो लगा लेंगे। तो इसका डो जो है बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़क लगा लोगे तो वो चिपकने में भी प्रॉब्लम आएगी और वो गुजिया उतनी अच्छी नहीं बनाएगी। और बहुत ज़्यादा गीला लगा लोगे तो जब आप गुजिया फ्राई करोगे ना, उनमें बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे ऊपर, मतलब वो फूल सा जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए डो जो है प्रॉपर लगाना है, मीडियम लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी ही मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं गुथ रही, मेहनत नहीं कर रही इस पर, इसको मैं फूलने के लिए मतलब 10 मिनट रख देती हूँ जब तक हम मिक्सर तैयार कर लेते। तो यहाँ पे गुजिया का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। आज हम सूजी से बना रहे हैं, आप इसको बेसन से भी बना सकते हैं, जो कसार बोलते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, 2 से 3 चम्मच घी लिया है ताकि सूजी और घी मतलब सूजी घी में अच्छे से सिक जाए। आप चाहो तो घी पिघला के भी डाल सकते हो, लेकिन वो वैसे ही पिघल जाएगा। तो इसको सूजी को हमको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, मतलब बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सूजी अच्छे से सिक गई है, हमने सूजी सिक दी है। फिर हम ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। तो मैं इसमें बादाम, काजू और खसखस दाने डाल रही हूँ। मुझे किशमिश नहीं पसंद है तो मैं यहाँ पर किशमिश नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेकने के लिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लिया है और इनको हम डाल देंगे सिकने, मतलब सेकेंगे। तो पहले बादाम और काजू के टुकड़े सेक लेती हूँ कुछ सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद हम खसखस दाने डाल देंगे, क्योंकि खसखस दाने बारीक होते हैं ना तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनको मैंने बाद में ऐड किया, बस 1 मिनट ही इनको रोस्ट करना रहता है। 1 मिनट में ही बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब इनको भी हम एक उसी प्लेट में, सूजी वाली प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें मतलब खोवा को रेडी करेंगे। तो आप चाहो तो जो गुजिया है सिर्फ खोबा से भी बना सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को सिर्फ खोबा और शक्कर मिला के जो गुजिया बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और समटाइम्स मैं ऐसे सूजी वाली बना लेती हूँ, समटाइम्स सिर्फ हम नारियल का बूरा मिला के बना सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो बेसन होता है, जैसे हम घी में सेक के फिर उसको मावे में मिला लो, तो आप मतलब बहुत सारी अलग अलग स्टफिंग बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज मैं सूजी वाली बता रही हूँ आपको। यहाँ पर खोबा मैंने गर्म कर लिया, पिघला लिया। पिघलाने के बाद हम इसमें सूजी और ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे और शुगर मिला लेंगे। तो शक्कर जो है आप चाहो तो पीस के डाल सकते हो, मैं खड़ी ही डालने वाली हूँ, पीसने नहीं वाली, क्योंकि बारीक वाली शुगर है तो खड़ी ही बेटर रहेगी। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी से कम डाल रही हूँ और बिना पीसी शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहो तो शक्कर इसमें और ज़्यादा डाल सकते हो या फिर गुड़ भी मिला सकते हो, आपकी जो चॉइस हो, जैसी चॉइस हो, या फिर शक्कर पीसी डालो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपको इसमें फ्लेवर देना है तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मावा का ही फ्लेवर रखने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, बहुत सारा मिक्सचर, अप्रॉक्स आधा KG हो गया होगा। मावा जो लिया था मैंने यहाँ पे 1 पाव मावा लिया था। अब देखिए डो हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। तो हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक साथ सारी लोइयाँ बना के रख लूँगी, फिर छोटी छोटी सी पूरी के साइज़ की बेल लूँगी, फिर इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है गाइज़। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वर्किंग मॉम्स के लिए ईजी रेसिपीज़ और घर बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाना है वीडियो शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, वर्क फ्रॉम होम करते हुए सब कुछ मैनेज करती हूँ, इसलिए वीडियो शेयर करती हूँ। सकता है कहीं ना कहीं आपको भी ये मेरे वीडियोस हेल्प कर सकें।
तो देखिए इतनी साइज़ की मैंने पूड़ी बेल ली है, मैं अभी छोटी साइज़ की गुजिया बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम दो से दो, दो एक से दो चम्मच भर देंगे स्टफिंग और इसको हम फिल कर देंगे। अगर आपके पास गुजिया बनाने का सांचा है तो उसमें बना सकते हो, अगर नहीं है तो इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही आसान है बनाना। तो मेरे घर पर मतलब आधी गुजिया बनती हैं, मतलब छोटे साइज़ की, आधी बड़े साइज़ के बनते हैं जिसको गुजिया बोलते हैं वो बनाए जाते हैं। तो देखिए इस तरीके इसको ऐसे दबाना है, यहाँ पर आपको पानी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रेस कर दीजिए, फिर इसको कट कर दीजिए, जो कटर होता है ना उस कटर से आराम से कटर कर दीजिए। अगर आपको कटर नहीं करना है तो जो फिंगर से जो राउंड राउंड से डिज़ाइन बनती है वो बना सकते हो, लेकिन वो मुझसे प्रॉपर नहीं बनती है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। मैं इस कटर से इसकी साइड निकाल दूंगी ताकि अच्छा शेप आ जाए। तो इस तरीके से आप ईजिली बना सकते हो। और गुजिया बनाते समय एक चीज़ हमको याद रखना पड़ता है, मैंने आपको बताया है कि मैं शादी के पहले कभी कुकिंग नहीं करती थी, सिर्फ शादी के बाद ही मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें सीखी हैं, अब सब कुछ आ जाता है बनाना। तो पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने गुजिया बनाई थी शादी के बाद, तो मुझे क्या लगा कि गुजिया को बना के थोड़ी देर फैन के नीचे सुखा देना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। अब मावा की गुजिया है, मैंने इस तरीके से किया तो वो क्या हुआ, जब भी हम कढ़ाई में सेक रहे थे वो हर बार फट जाती थी। फिर मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि मावा की गुजिया को कभी सुखाते नहीं है, मावा की गुजिया को तुरंत बनाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं, अगर वो सूख जाएगी उसकी पपड़ी ऊपर की आटे की जो है वो सूख जाएगी तो वो फट जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम सेकने के प्रोसेस में आ गए हैं, तो ऑयल को मीडियम गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो गुजिया अच्छे से नहीं सिकेगी, कुरकुरी नहीं आएगी, इसलिए मीडियम ही जब गर्म रहेगा उसमें ही हमको मीडियम फ्लेम पे ही हमको गुजियों को फ्राई करना है। तो आप एक साथ तीन तीन चार चार जितनी कढ़ाई में जगह है उतनी वेज फ्राई कर सकते हैं। तो गुजिया बनाना बहुत ही आसान है, होली पे और रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ गुजिया ज़रूर बनाई जाती है। हाँ एक बात और ये है कि जो मावा की गुजिया हमारे यहाँ पर बनती है ना, उसका क्या, मम्मी हमेशा एक साथ बना के नहीं रखती हैं, थोड़े थोड़े बैच में बनाती हैं, मतलब मावा की गुजिया जो है गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने भी जो थोड़ा सा कसार बचा है, मतलब जो मिक्सर बचा है खोवा और सूजी का, उसको फ्रिज में रख दिया है, हमें गरम गरम दूसरे दिन फिर से फ्राई कर लूँगी। तो जो मावा की गुजियाँ हैं हमारे घर पे हमेशा गरम गरम ही दी जाती हैं बना के, गरम गरम का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।